भाईबाज हुए अभी और कोई नहीं हुए अभी स्टार्ट हुए मतलब कोई नहीं मैम अभी। अच्छा पहले ही है केमिस्ट्री का यस मैम। चलो ऑल दी बेस्ट। इलेवन फाइव पे स्टार्ट करते हैं ना और बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। बट हमने कहाँ तक कवर कर लिया था कल? कंसंट्रेशन सेल करोजन कर ली थी ना, इंटरग्रेन्यूलर करानी थी ना, मैम लास्ट जो आपने करा था वो था पिटिंग करोजन। पिटिंग करा दी थी। अच्छा पिटिंग करोजन, हाँ इंटरग्रेन्यूलर करानी थी ना। सो आई एम स्टार्टिंग बेटा। इंटरग्रेनुलर करोजन क्या होती है? ये जनरली अलॉयज में होती है। अलॉयज कैसे बनते हैं? व्हाट आर अलॉयज? ना मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल। यस, मोर देन वन मेटल इज कॉल्ड एज अ अलॉय। ठीक है, सो उसमें भी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, स्टील की वैरायटीज हैं डिफरेंट, तो उसमें कार्बन की वैरायटी, जैसे कार्बन की परसेंटेज है वो वेरी कर सकती है। बट हाँ एक पर्टिकुलर जैसे चीजें हैं वही हम लेते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वही हम लेते हैं एक पर्टिकुलर अलॉय बनाने में। तो अलॉय कैसे बनता है? सारे मेटल्स को पहले मेल्ट किया जाता है और फिर वो मोल्टन मेटल्स को एक साथ जो है उसको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है? मोल्टन मेटल को जब सॉलिडिफाई करा जाता है ना, सॉलिडिफाई मतलब यू नो यू हैव मिक्स्ड ऑल द मोल्टन मेटल एंड देन यू आर सॉलिडिफाइंग इट टू फॉर्म द अलॉय।
तो सॉलिडिफिकेशन जो स्टार्ट होती है वो ना पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आपके पास एक ह्यूज कंटेनर है, उसमें आप इतने सारे मेटल्स को मिक्स कर रहे हो, तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पर एक्चुअली सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई। इनफैक्ट मैं मेटल्स की बात ना भी करूँ, अगर मैं सिर्फ पानी की बात करूँ, जब हम पानी को यू नो आइस में सॉलिडिफाई करते हैं, तो भी हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वेयर एक्चुअली द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन है ना, बहुत सारी जगह पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होके स्टार्ट होती है। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जहाँ पर ये सॉलिडिफाइंग स्टार्ट होती है, उसको हम ग्रेन्स कहते हैं। अलॉयज के केस में उसको हम ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन्स। ओके, यू कैन, इफ यू हैव अ डिफिकल्टी इमेजिनिंग दिस ना, आप लोग एक जिग्सॉ पजल इमेजिन करो, जैसे पजल के पीसेज होते हैं ना, तो वो हो गए ग्रेन्स। ये देखो, ये डायग्राम देखो, इस तरह के पजल के पीसेज होते हैं और इस तरह से आप उनको ज्वाइन करते हैं ना, जिग्सॉ पजल जब बनाते हैं। तो आप पजल के पीसेस को इमेजिन कर लो दैट दे आर ग्रेन्स। एंड होता क्या है, रैंडमनेस है, क्योंकि तो कई बार ये हो सकता है कि एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के यू नो प्लेन्स के साथ एकदम से मैच ना करे। देयर माइट बी दैट देयर इज सम गैप इन बिटवीन देम, एंड यू नो इट इज बिकॉज इट इज जस्ट रैंडम, सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट दे फिट इन टू ईच अदर वेरी वेल। ओके, देयर माइट बी सम स्मॉल अमाउंट ऑफ गैप इन इट। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो पीसेज हैं उनको हम ग्रेन्स कह रहे हैं। एक ग्रेन की बाउंड्रीज होती हैं, ये वाली जैसे है ये येलो कलर, ये ग्रेन की बाउंड्री है। एक ग्रेन का फेस या ग्रेन का सेंटर होता है, ठीक है। और एक क्या प्रॉब्लम होती है कि ऐसे अलॉयज बनने में ना कुछ सॉलिड कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट हो सकते हैं बाउंड्रीज के बीच में। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड। सो आपने इंटरस्टिशियल वर्ड्स सुना होगा काफी टाइम ना, तो होता क्या है, इंटरस्टिशियल मीन्स इन बिटवीन द स्पेस। सो व्हाट हैपेंस इज सम इम्प्योरिटीज और सम कंपाउंड कैन गेट यू नो एम्बेडेड इन दिस ग्रेन बाउंड्री, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड। अब होता क्या है, एज कंपेयर टू ग्रेन बाउंड्री, प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड और जो फेस है ग्रेन का या सेंटर है ग्रेन का, दैट इज एक्सपोज टू मोर ऑक्सीजन और मोर एयर। तो बेटा कल मैंने बताया था मोर एयर वाला क्या होता है, कैथोड या एनोड? कैथोड। कैथोड, वेरी गुड। सो ग्रेन सेंटर एंड दिस प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड इज एक्सपोज टू मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। तो ग्रेन बाउंड्री जो बीच की ये जगह है, ये आपस में मिलने की वजह से यहाँ पर यू नो गैप कम रह जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम रहती है। तो इन दो जगहों पे कंपैरेटिवली मोर ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या बन जाता है, ये कैथोड बन जाता है। और ये जो ग्रेन बाउंड्री वाली जगह है, ये एनोड बन जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट करोजन स्टार्ट्स, जहां पर भी एनोड और कैथोड बन गया वहां पर समझो करोजन स्टार्ट्स। सो करोजन कैन स्टार्ट इन दिस। तो आप जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड मशीनरी फेलियर हो जाता है, तो ये चीज आपको दिखेगी नहीं, ये तो इंटरनली हो रही है मेटल के अंदर। तो आपके पास अलॉय कितना मजबूत है, इनफैक्ट आपने कभी सुना भी होगा कि स्टील के डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टेनलेस स्टील इज और हाउ स्ट्रॉन्ग द मेटल इज, तो डिफरेंट ग्रेड की शीट्स और रॉड्स मिलती हैं, ठीक है। तो वही ये चीज होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है अलॉय अंदर से। सो दिस, ये चीज हमें दिखती नहीं है एक्चुअली, यू नो। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरग्रेनुलर करोजन। अब होता क्या, एक एग्जाम्पल है इसमें, अगर आपको एग्जाम्पल कोट करने को कहा जाए तो स्टेनलेस स्टील जो कि मेनली आयरन कार्बन और क्रोमियम का बना होता है, मेनली मैं कह रही हूँ, उसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं छोटी छोटी मात्रा में, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स होते हैं छोटी छोटी मात्रा में, सिलिकन भी हो सकता है, फॉस्फरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें वेल्डिंग के टाइम पे क्या हो सकता है, वेल्डिंग के टाइम पे एक इम्प्यूरिटी है क्रोमियम कार्बाइड, ये प्रेसिपिटेट हो सकती है ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर। तो जहां पर भी ये प्रेसिपिटेट होएगी, प्रेसिपिटेट वाला एरिया और ग्रेन सेंटर वाला एरिया विल बी एक्सपोज टू मोर एयर, दैट विल बिकम द एनोड एंड जो सॉरी दैट विल बिकम द कैथोड, एंड वेर एवर क्रोमियम इज लेस, दैट मीन्स लाइक इन दिस ग्रेन बाउंड्री रीजन द कार्बाइड इज लेस, that area will become as the anode and what will start, corrosion will start, aur hame samajh nahi aata, it can lead to sudden failure of the material due to loss of cohesion between the grains, kyunki andar se hi alloy jo hai wo strong nahi hai itna, so the article or the you know machinery made out of that can fail.
एंड नेक्स्ट टू दिस इज स्ट्रेस क्रैकिंग या स्ट्रेस करोजन, जो कल मैं मैकेनिकल वर्कशॉप की आपसे बात कर रही थी कि वर्कशॉप में आपको समझाया गया होगा ना जॉब्स बनाने का और वो सब चीजें, अभी आपने प्रैक्टिकल तो किया नहीं होगा उसका, बिकॉज एज सच तो आपने किया नहीं है, बट उसमें क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेसेस आप सब्जेक्ट करते हो ऑन द यू नो आर्टिकल्स, तो आप मेटल की शीट्स से या मेटल के उसमें से फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स बनाते हो, कुछ यू नो अपने यूज के अलॉयज में से अपने यूज के आर्टिकल्स बनाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो उसकी हैमरिंग करते हो और डिफरेंट स्ट्रेसेस को उसको सब्जेक्ट करते हो, तो वो सब क्या गिने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल स्ट्रेस, यू नो यू ग्राइंड इट, यू हैमर इट, यू नेल इट, ऑल दोज आर मैकेनिकल स्ट्रेसेस. तो इस केस में क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेसेस पे जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो मेटल्स मैकेनिकल स्ट्रेसेस के सब्जेक्टेड होते हैं, दे अंडरगो स्ट्रेस करोजन या स्ट्रेस क्रैकिंग. तो इसमें से एग्जांपल दिया हुआ है जिंक ब्रासेस या निकल ब्रासेस, इन सब का एग्जांपल है. इसमें क्या होता है मेटल अंडर द स्ट्रेस, जिस एरिया पे ज्यादा हैमरिंग हुई है या ज्यादा स्ट्रेस है, दैट विल बिकम द एनोडिक एरिया एंड द अदर एरिया विल यू नो बिकम एज द कैथोड एरिया. क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए उसको आप कोई कोई जगह से ही उसको हैमर करते हो, राइट. सो जिस जगह पे आप उसको ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो दैट बिकम्स द एनोडिक एरिया एंड द अदर एरिया बिकम्स द कैथोडिक एरिया, ठीक है. एंड दिस कैन लीड टू करोजन एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू क्रैक्स इन द मटीरियल एंड क्रैक्स विल यू नो क्रैक्स विल लीड टू फर्दर करोजन इटसेल्फ. और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है. अनप्रिडिक्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी आपको पता नहीं, आपने तो आर्टिकल बना लिया बट आपको नहीं पता वो कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल का आर्टिकल आपने बनाया है, तो इवन दैट में क्रैक, यू नो. सो अ वेरी हाउस होल्ड रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसमें. जैसे कोई भी आप इसमें यू नो वंस आई हैड जस्ट ब्रॉट नमक दानी होती है ना जिसमें मसाले रखते हैं, आई ब्रॉट दैट फ्रॉम अ मार्केट एंड इट स्लिप्ड फ्रॉम माय सन्स हैंड एंड द मोमेंट इट स्लिप्ड आई सी अ क्रैक इन इट. सो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी, आप स्टेनलेस स्टील समझ के लाए हो उस चीज को और इतनी सी चीज में उसमें क्रैक पड़ गया, तो छोटा सा बच्चा है वो कितनी मतलब दूर फेंकेगा किसी चीज को, तो उसने में ही उसमें क्रैक पड़ गया. सो यू कैन इमेजिन दैट इसमें आप तो जो कस्टमर है या जो बायर है या जो सेलर है दैट डजंट नो, ही डजंट नो कि किस क्वालिटी की चीज है, यू नो इट ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस. सो दिस इज लाइक यू नो रियली अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स यू नो इन योर व्हेन यू बाय फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स एंड ऑल दैट. एंड दिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन अ सिलेक्टिव इन्वायरमेंट. सिलेक्टिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, कुछ पर्टिकुलर अलॉयज हैं जो कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को सेंसिटिव होते हैं और बाकी इन्वायरमेंट्स में वो स्टर्डी रहते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे कि अगर आप यू नो आयरन का आयरन के यूटेंसिल्स यूज करते हो तो कहते हैं ना उसमें विनेगर नहीं डालना चाहिए, एसिटिक एसिड नहीं यूज करना चाहिए. सिमिलर गोज फॉर ब्रास. ब्रास जो है वो ट्रेसेस ऑफ अमोनिया और अमीन्स के बहुत सेंसिटिव होता है, सो इट स्टार्ट्स डिकेइंग और इट स्टार्ट्स करोडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अमीन्स. तीसरी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस कितना अप्लाई किया है, अगर आप किसी चीज को हैमर ही करते जाओगे तो वो तो ऑब्वियसली टूट ही जाएगा ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मच यू नो स्ट्रेस यू आर सब्जेक्टिंग दैट मटीरियल टू. स्ट्रेस से मेरा मतलब है मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है. देन एग्जाम्पल्स क्या है स्ट्रेस क्रैकिंग के, एक एग्जाम्पल है सीजन क्रैकिंग. सीजन क्रैकिंग क्या होता है, ब्रास होता है जो कि कॉपर का और जिंक का अलॉय है, तो प्योर कॉपर जो है दैट इज इम्यून टू स्ट्रेस करोजन, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता ज्यादा स्ट्रेस करोजन से मैकेनिकल स्ट्रेसेस से. पर ये जो अलॉय है ब्रास का, ये जो अलॉय है दिस इफ सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस करोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ अमोनिया और अमीन्स, सो उसमें क्या होता है इट फॉर्म्स क्यूपरस अमोनिकल कंपाउंड एंड जिंक अमोनिकल कंपाउंड, तो ये सॉल्ट्स बन जाते हैं कॉपर के और जिंक के, ठीक है. अमोनियम सॉल्ट्स बन जाते हैं, इससे क्या होता है ये सॉल्ट्स बनने शुरू हो गए अमीन्स की फॉर्मेशन अमीन्स की प्रेजेंस में, तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स ब्रास में से कुछ अमाउंट करोड होना शुरू हो गया, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ ब्रास, एंड इसकी वजह से क्या होता है उसमें फिशर्स आ सकते हैं या क्रैक्स आ सकते हैं. बेसिकली छोटे क्रैक्स को फिशर्स कहते हैं, ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ फिशर्स और क्रैक्स कैन अकर.
सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो आपको पहले मैंने करवाया हुआ है बॉयलर फीड प्रॉब्लम्स में, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट ऑफ माइल्ड स्टील. सो अगर आपको याद हो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या था, अगर आप आयरन का कोई स्ट्रक्चर है बॉयलर फीड, जैसे बॉयलर प्रॉब्लम्स में हमने किया था, बॉयलर स्ट्रक्चर था वो आयरन का बना होता है, स्टील का बना होता है, तो आयरन में अगर कोई क्रैक हो या कोई फिशर हो तो वहां पर क्या होता है, उस वहां पर जो NaOH कलेक्ट होता है उसकी, उसको हम कंसेंट्रेटेड NaOH मानते हैं, और उसके उसके दूर अवे फ्रॉम दैट जो NaOH की कंसेंट्रेशन थी उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम डाइल्यूट NaOH मानते हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कंसेंट्रेटेड एरिया था, सपोज दिस इज द कंसेंट्रेटेड एरिया, वहां से आयरन के साथ NaOH का रिएक्शन हो रहा था और क्या बन रहा था बेटा, NaOH और आयरन से कंपाउंड बन रहा था. व्हाट वाज दैट कंपाउंड, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो तो व्हाट वाज दैट कंपाउंड, एनीबॉडी रिमेंबर्स? टेस्ट है परसों, एनीवन रिमेंबर्स टेस्ट है परसों? क्या बात है, नो रिस्पॉन्स, सुबह सुबह सो गए? याद है मैम टेस्ट है. हाँ तो क्या हो गया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, चुप क्यों हो जाते हो सारे, हैं? क्या बनता है कंपाउंड, सोडियम फेरेट नहीं बनता? नहीं पढ़ा अभी पढ़ना शुरू कर दो, परसों टेस्ट है भाई, अब तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल दूंगी मैं टेस्ट में. तो सोडियम फेरेट बनता है, ठीक है, NaFeO2, तो सोडियम फेरेट बनता था, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, सोडियम फेरेट दोबारा से NaOH प्रोड्यूस करता है, वो दोबारा से NaOH यहाँ पर आयरन के साथ रिएक्ट करता है, एंड दैट साइकिल कंटिन्यूज. तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटल हो जाता है, क्रैक्स वाइडन हो जाते हैं, ये एक्सप्लेन किया था कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट में ना, ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन. तो ऐसे अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन माइक्रोब्स की वजह से भी करोजन अकर हो सकती है. क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स आर एनारोबिक एंड एरोबिक, तो उनमें भी ऑक्सीजन का जो है फिनोमिना है, दे ऑल्सो अंडरगो दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस. तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आती है वहां पर करोजन की बात जरूर आती है. तो इसका एक डायग्राम भी मैंने देखा था, सॉरी एक पिक्चर भी मैंने देखी थी, सऊदी अरेबिया में कहीं कोई पाइपलाइन थी और उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन हो रहा था, सो आई हैड सीन दोज इमेजेस, सो यू कैन सी नंबर ऑफ इमेजेस ओवर हियर. ये सारा माइक्रोबियल, ये माइक्रोबियल करोजन भी कहते हैं इसको, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंड्यूस्ड करोजन भी कहते हैं, MIC, MIC. इस पे बहुत रिसर्च पेपर्स भी हैं. सो ऑल दिस इज माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन, यू कैन सी द इमेजेस ओवर हियर. ओके, सो ये देखो, ये सारी इमेजेस हैं, ये वाली, ये सारी इमेजेस हैं माइक्रोबायोलॉजिकल करोजन की, माइक्रोबायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड करोजन बोलते हैं, मैंने इंड्यूस्ड बोला था, सॉरी, इट्स इन्फ्लुएंस्ड करोजन. नाउ कमिंग बैक टू दिस, इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे बेटा, नाम थोड़े से वो हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ, ओके. सो इन दिस वॉट इज देयर इज एरोबिक का एग्जाम्पल है पहले. एरोबिक में, एरोबिक मीन्स दोज विच यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है. सो सल्फर बैक्टीरिया, इट यूजेस ऑक्सीजन एंड इट कॉजेज करोजन ड्यू टू डिफरेंशियल एरिएशन. डिफरेंशियल एरिएशन आपको अभी तक अच्छी तरह पता चल गई है. डिफरेंशियल एरिएशन क्या होता है, कैथोड पे मोर ऑक्सीजन होता है और एनोड पे कम ऑक्सीजन होता है, ठीक है. सो विच अंडरगोज करोजन, एनोड अंडरगोज करोजन ऑलवेज, ओके. सो ये सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, हर तरह के बैक्टीरिया नहीं ये चीज कॉज करते, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और थायोसल्फेट बना देता है, जिससे फिर फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड वो बना देता है. तो इस इन सारे प्रोसेस की वजह से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो ये करोजिव होता है. तो मेटल्स के ऊपर, इन द एयर, इन द सॉइल, एवरीवेयर वी हैव माइक्रोब्स अराउंड अस. इनफैक्ट दैट्स द रीजन वी कैच कोल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो हर जगह हमारे आसपास माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं. सो ये मेटल पे भी प्रेजेंट होते हैं, मेटल स्ट्रक्चर्स पे भी,
एंड ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो, थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में जो भी सल्फर है उसको ऑक्सीडाइज करता है, थायोसल्फेट बनाता है, थायोसल्फेट आयन से फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि करोजिव होता है. एक और बैक्टीरिया है विच इज कॉल्ड एज फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स. क्या है, फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स. ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है आयरन को इनटू आयरन हाइड्रोक्साइड्स. ये कट गया यहाँ पर, ठीक है, ये आयरन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू आयरन हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज स्पेसिफिक थायोबैसिलस. थायो जहाँ पर वर्ड आता है ना, थायो इज ऑलवेज यूज फॉर सल्फर. ओके, सो थायोबैसिलस बैक्टीरिया आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, थायोबैसिलस बैक्टीरिया. कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना, तो वही वहीं पर अगर सल्फर है तो सल्फर क्या होगा, सल्फर है थायोबैसिलस. ठीक है, तो थायोबैसिलस स्टैंड फॉर सल्फर, थायो. सो बैसिलस तो शेप होती है बैक्टीरिया की ना, जो स्लिपर इस तरह का शेप होती है ना, लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड शेप, उसको बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है, सो थायोबैसिलस बैक्टीरिया सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट बैक्टीरिया जो है वो आयरन को ऑक्सीडाइज करता है. तो इसको भी आप अच्छी तरह याद कर सकते हो, फेरोऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेंट, और बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, और फेरो मतलब ये आयरन पे एक्ट कर रहा है. तो फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स आयरन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू हाइड्रोक्साइड्स. फिर आते हैं हम एनारोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पे. एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं यूज होती, रिड्यूसिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इसमें सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है एक, जिसका नाम है डाई सल्फो वाइब्रो डी सल्फ्यूरिकेन. ठीक है, डाई सल्फो वाइब्रो डी सल्फ्यूरिकेन, डी सल्फ्यूरिक कैंस, सॉरी इट्स नॉट केन, इट्स कैंस, सी ए एन एस. ओके, सो दिस इज डी सल्फ्यूरिकेन्स. ये क्या करता है, करोजन कॉज करता है आयरन और स्टील की, इनटू व्हाट, इनटू आयरन सल्फाइड. ये यहाँ पर थोड़ा वो लाइट हो गया, दिस इज आयरन सल्फाइड एफ ई एस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड. तो आयरन सल्फाइड बनता है और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है बाय दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ओके, एंड ये आपको दिखता कैसे है, ये आपको ब्लैक करोजन प्रोडक्ट की तरह दिखता है, एंड इसमें से गंदी रॉटन एक्स की स्मेल आती है, विच इज एच टू एस स्मेल. और कास्ट आयरन पे ये ऐसे दिखता है कि जैसे ग्रेफाइटाइजेशन हुई हो. ग्रेफाइट कौन से कलर का होता है, काले रंग का होता है, तो ऐसे लगता है कि ग्रेफाइट की लेयर चढ़ी हुई है, अपियरेंस ऐसी आती है, बट एक्चुअली ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली दिस करोजन प्रोडक्ट. ओके, सो ये चीजें होती हैं माइक्रोबियल करोजन में. देन यू हैव इरोजन करोजन. इरोजन करोजन वो लिक्विड सोडियम वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो है बिटवीन रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन अ करोजिव फ्लूइड एंड मेटल सरफेस. हाँ बेटा, आपने ग्रेफाइट के लिए क्या, कौन सी अपीयरेंस बताई थी? मैंने ये बताया बेटा, ये जो ब्लैक करोजन प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है आयरन सल्फाइड ना, ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, तो ये जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना स्ट्रक्चर्स पे, पाइपलाइंस वगैरह पे, तो आपको अपीयर होगा कि जैसे कि ग्रेफाइट की लेयर है. ग्रेफाइट की लेयर चढ़ाते हैं अगर किसी पे ना, तो वो भी ब्लैक कलर की अपीयर होती है कास्ट आयरन वगैरह पे ना. आजकल बहुत सारे अगर आप एक सर्च मार कर देखो ना, आजकल बहुत सारे कुकवेयर वगैरह आ रहे हैं. इनफैक्ट संजीव कपूर दिस दैट, अगर आपने सुना हो कि ग्रेफाइट के यूटेंसिल्स आ रहे हैं, ग्रेनाइट के यूटेंसिल्स आ रहे हैं, तो एनेमल्ड यूटेंसिल्स आ रहे हैं आयरन के ऊपर आजकल. उसको कास्ट आयरन, जो लोहे की कढ़ाइयाँ हम लोग पहले यूज करते थे ना, आजकल उनको ऐसे वो सुंदर नहीं दिखती, तो उनको सुंदर बनाने के लिए, उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए उनकी पैकेजिंग होती है, उसको एनेमल चढ़ाया जाता है सेरेमिक का, रेड कलर का या कोई से भी कलर का, एंड देन दे आर सोल्ड. पर वो चीजें हैं क्या, वो चीजें पुरानी है कास्ट आयरन की, तो इनके ऊपर ग्रेफाइट की लेयर भी चढ़ती है. तो मैं ये कह रही हूँ कि दिस अपीयर्स लाइक दैट बट इट इज नॉट एक्चुअली ग्रेफाइट. ये क्या है, ये करोजन प्रोडक्ट है. ठीक है, ठीक है बेटा. So it appears like that, but it's not graphite. Okay. Then erosion, corrosion, and next erosion मतलब movement of a corrosive fluid. तो movement होती है corrosive fluid और metal surface की, तो friction होती है, mechanical rubbing होती है. आपस में rub करेंगे metals, तो obviously जो coating है वो metals की उतर जाएगी. ठीक है, so इसको erosion corrosion कहा जाता है. फिर next है soil corrosion. Soil corrosion में क्या होता है, सॉइल के अंदर नंबर ऑफ पाइपलाइंस और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्बेडेड होते हैं, तो
तो मॉइस्चर की वजह से करोजन हो सकती है. सॉइल में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम कहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं तो इसलिए डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. इनफैक्ट दिस इज हाउ प्लांट्स टेक अप वाटर एंड प्लांट्स टेक अप देयर न्यूट्रिशन, है ना. देन एसिडिटी भी होती है सॉइल के अंदर, लो पीएच अगर हो तो एसिडिटी भी होती है सॉइल के अंदर. सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और सॉइल के अंदर डिफरेंशियल एरेशन डेफिनेटली होती है. जहाँ पर सॉइल कोई हर जगह पे सेम तो होगी नहीं, कहीं पर ज्यादा सॉइल के अंदर यू नो पाइपलाइन दबी होगी और कहीं पर कम सॉइल होगी, तो डिफरेंट एरियाज पे क्या होगा, डिफरेंशियल एरेशन होगी, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वो एक्सपोज्ड होगी, ठीक है, बरिड पाइपलाइंस वगैरह. तो और ऊपर से अगर वो वन टाइप ऑफ सॉइल से दूसरे टाइप ऑफ सॉइल के अंदर जाए तो उसमें भी डिफरेंशियल एरेशन होती है. सो वाटर लॉक जो सॉइल्स हैं उसमें माइक्रोबियल करोजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए माइक्रोब्स जो हैं वो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट इज टर्म्ड एज सॉइल करोजन. इन सब चीजों की वजह से सॉइल करोजन होती है. देन नेक्स्ट लास्ट टू रह गए हमारे पास, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सिलेक्टिव ब्लीचिंग. इस पे ना क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बारी, 2 या 3 मार्क्स का, ठीक है. नाउ सिलेक्टिव ब्लीचिंग में क्या होता है, अच्छा बेटा मेरे को 1 मिनट देना है, जस्ट हैव टू सी समथिंग घर पे, 1 मिनट के लिए. हाँ जी बेटा, आई एम बैक, सॉरी फॉर दैट. सिलेक्टिव लीचिंग पे ना क्वेश्चन आया था एक बारी, 2 या 3 मार्क्स का. सिलेक्टिव लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीच होना होता है मतलब रिमूव होना, ठीक है, और सिलेक्टिव का मतलब एक पर्टिकुलर, सपोज 2 या 3 चीजें हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज लीच होगी या एक पर्टिकुलर चीज करोड होगी, तो सिलेक्टिव लीचिंग को सिलेक्टिव करोजन भी कहा जाता है, ठीक है. सो इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है, एक तो इसकी डेफिनेशन देख लो, रिमूवल ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अ सॉलिड अलॉय बाय करोजन प्रोसेस, ठीक है. सो वी नो सिलेक्टिविटी कहाँ पर आएगी, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होंगे, तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलॉयज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो इट हैपन्स इन अलॉयज. सो एक तो इंटरग्रेनुलर करोजन हो गई जो अलॉयज में होती है, एक आपके पास स्ट्रेस क्रैकिंग हो गई जो अलॉयज में होती है, और एक आपके पास सिलेक्टिव लीचिंग हो गई जो अलॉयज में होती है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डी जिंकिफिकेशन फ्रॉम ब्रास. तो ब्रास किसका अलॉय है, ऊपर कंपोजिशन बताई हुई थी, जिंक कॉपर का और लेड भी था शायद इसमें थोड़ा सा, ऊपर मैंने कहीं लिखा हुआ था ये वाला, हाँ, कॉपर प्लस जिंक एल्यूमिनियम लिटिल बिट ऑफ फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, लेड नहीं था एंटीमनी था, ठीक है. सो दिस इज ब्रास. तो उसमें मेन जो कंपोजिशन है, मेन जो 2 मेटल्स हैं वो कौन से हैं, मेन मेटल्स हैं जिंक और कॉपर. तो इसमें से प्रिफरेंशियली अगर एक मेटल यू नो लीच हो या करोड हो तो उसको हम सिलेक्टिव लीचिंग या करोजन कहेंगे. और आप ये नाम से जज कर सकते हो, डी जिंकिफिकेशन, तो कौन सा मेटल लीच होएगा बेटा, जिंक या कॉपर, जिंक. जिंक, तो डी जिंकिफिकेशन नाम से ही आपको बता रहा है, डी जिंकिफिकेशन मीन्स जिंक इज गोइंग टू लीच. तो इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जैसे कंडेंसर ट्यूब्स वगैरह होती हैं ब्रास की बनी होती हैं, जहां पर सी वाटर यूज होता है, ठीक है. सो कंडेंसर ट्यूब्स क्या होती हैं, कंडेंसर ट्यूब्स क्या होती हैं, पता है किसी को, तो बता दो, मुझे नहीं पता, बोलते भी नहीं ना कि नहीं पता, इसमें कोई शर्म थोड़ी ना होती है, मैं भी तो बोल देती हूँ जो चीज नहीं पता होती. तो ये होती है बेटा कंडेंसर ट्यूब्स, ठीक है. वेयर आर दे यूज्ड,
ये देखो विकिपीडिया, अ कंडेंसर इज अ लेबोरेटरी अपैरेटस यूज्ड टू कंडेंस वेपर्स दैट जस्ट टर्न देम इनटू लिक्विड्स बाय कूलिंग देम डाउन. सो कंडेंसर्स आर रूटीनली यूज्ड. तो जहाँ पर ह्यूज यू नो, ये तो लेबोरेटरी के बारे में ये बता रहे हैं ना, तो जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह होगी तो वहां पर ऑब्वियसली यू नो बिग कंडेंसर ट्यूब्स वुड बी यूज, जैसे हम अभी इमेजेस देख रहे थे इसमें. ठीक है, सो वी कैन जस्ट लुक एट द इमेजेस वंस अगेन. ये है जैसे कंडेंसर ट्यूब्स, ये हैं, ये स्पाइरल शेप्ड हैं, ये वाली हैं. सो ऑल दिस वुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्री. तो जहां पर पर्टिकुलरली सी वाटर यूज होगा और कंडेंसर ट्यूब्स ब्रास की बनी होंगी ना, तो क्या होगा उसमें, उसमें सिलेक्टिव लीचिंग होगी. सिलेक्टिव लीचिंग का क्या मतलब है, जिंक और कॉपर दोनों ही रिएक्ट करेंगे सी वाटर के साथ, और लेकिन जो जिंक है दैट विल रिमेन इन द सी वाटर, और कॉपर जो आयन है दैट विल बी रीडिपॉजिटेड ऑन दी कंडेंसर ट्यूब एज अ स्पॉन्जी लेयर. मतलब कॉपर रीडिपॉजिट हो रहा है, तो एक तरह से कॉपर दोबारा से सिस्टम में एंटर कर रहा है, बट जिंक जो है दैट विल रिमेन इन द सी वाटर ओनली. तो इसलिए इसको कहते हैं डीजिंकिफिकेशन फ्रॉम ब्रास. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर जिंक के मुकाबले में ज्यादा नोबल है और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है. सो दैट्स व्हाई डीजिंकिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस. ये क्वेश्चन एक बार आया था तो इसको प्रिपेयर कर लेना. देन हाइड्रोजन डैमेज, वैसे भी बेटा मुझे अब लगता है जैसे अगर आपके एमसीक्यू पेपर्स आए ना सपोज, तो जो मेन मेन चीजें हैं ना जो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, द थिंग्स विद एग्जांपल्स, यू नो उसमें से आप ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो उन चीजों में से. सो बिकॉज फ्रॉम अ टीचर्स व्यू पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे टॉपिक्स जिसमें ना क्लियर कट आंसर हो उसमें से एमसीक्यू बनाना ना थोड़ा आसान होता है. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स वाले जो टॉपिक्स हैं ना किसी भी चैप्टर में, वो आप ज्यादा अच्छे से मतलब यू शुड प्रिपेयर देम वेल. ओके, देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन डैमेज. ये कोई इतना खास नहीं है. मैकेनिकल डैमेज ऑफ मेटल वेयर इंटरेक्शन विद हाइड्रोजन, तो ये करोजिव गैसेस जैसे ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब चीजें होती है ना, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से जो करोजन होगी उसको हाइड्रोजन डैमेज का स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है. देन यूर स्ट्रे करंट करोजन, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में से करंट लीक हो रहा होता है, तो वो लीक होने की वजह से वो आसपास के जो सर्किट्स हैं उनको भी डैमेज कर देता है, करोजन कॉज करता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रे करंट करोजन. अब ये पैसिविटी टॉपिक ये मैं एंड में करवाऊंगी आपको, इसके बाद भी थोड़ा जनरल टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करते हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग करोजन, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो करोजन को इफेक्ट करते हैं. सिंपल सी बात है, दो तरह के फैक्टर्स हैं. मेटल पे करोजन होती है तो नेचर ऑफ द मेटल विल इन्फ्लुएंस करोजन, और दूसरी बात है मेटल किस एनवायरनमेंट में रखा गया. अभी आपने ऊपर इतने सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे ब्रास का था इन सी वाटर, ब्रास का था इन अमीन्स, तो आयरन का था एसिड में. तो हर एक चीज जो है हर एक एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर मेटल को नहीं इफेक्ट करता. देर माइट बी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स विच कैन कॉज मोर करोजन. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो करोजन कॉज करते हैं. तो इसमें डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में फैक्टर्स जो हैं, नेचर ऑफ मेटल में और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में. तो हम पहले नेचर ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे सारा. बेटा यहाँ तक कोई डाउट थी किसी को? नो मैम. वेरी फनी. मैं ना मतलब चुप ही हो जाते हो यार तुम लोग, वैसे तो बड़ी बात कर लेते हो. इसको क्या हो गया, अभी क्यों आ रहा है अर्शनूर, क्या हो गया बेटा? मैम मेरे को लगा शिवरात्रि है, स्कैम हो गया मेरे से। तो ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया छुट्टी वुट्टी का? नहीं है तो मतलब नहीं होती छुट्टी. ठीक है. हाँ, तो बेटा नेचर ऑफ मेटल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर पोजिशन इन गैल्वेनिक सीरीज. ठीक है, तो गैल्वेनिक करोजन आपको बताया था ना कल. तो अगर दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो उसमें एक सेल फॉर्म होता है एंड एनोड अंडरगोज करोजन एंड कैथोड अंडरगोज रिडक्शन. ठीक है, तो
तो एनोड करोजन कौन सा अंडरगो करेगा? गैल्वेनिक सीरीज में जो हायर होगा ना, इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है। न्यूमोनिक क्या होता है? न्यूमोनिक पता है क्या होता है? MNEMONIC, न्यूमोनिक। फिर कुछ नहीं बोल रहे, नहीं पता तो बोल दो, नहीं मैम पता। निमोनिक क्या होता है कि आपको कोई चीज याद रखनी हो ना, तो किसी छोटी सी चीज के मदद से आप उस चीज को याद रखते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल था, या वो सोलर सिस्टम में बोलते थे ना, माय वेरी अर्थ मदर, ऐसे करके कुछ कुछ आपने बनाया हो तो उसको आप निमोनिक बोलते हैं, दैट यू रिमेम्बर समथिंग विद द हेल्प ऑफ समथिंग स्मॉल एब्रीवेशन और समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनिक। तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया मैंने, हैक। हैक का क्या मतलब है? हायर जो होगा गैल्वेनिक सीरीज में, दैट विल बिकम द एनोड। एच से है हायर, ए से है एनोड, और सी से है करोजन। तो हायर मेटल इन द गैल्वेनिक सीरीज विल बिकम द एनोड एंड विल अंडरगो करोजन। और ये पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है कि ग्रेटर डिफरेंस होगा पोजीशन में, तो करोजन फास्टर भी होगी और करोजन ग्रेटर भी होगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट इन नेचर ऑफ द मेटल। फिर आती है बात प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल, जितना प्योर होगा मेटल उतनी कम करोजन होगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली इम्प्योरिटीज होती हैं मेटल में, जैसे आप अलॉयज बनाते हो या कोई भी आर्टिकल बनाते हो तो इम्प्योरिटीज हो जाती हैं उसमें। और इम्प्योरिटीज क्या है, ये एक और निमोनिक बनाया हुआ है, IIC, इम्प्योरिटीज इंक्रीज करोजन। ओके, IIC, सो इम्प्योरिटीज कैन इंक्रीज करोजन। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वहां पर टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं, जहां जहां पे इम्प्योरिटीज होती है, कैथोड बन जाता है और एनोड बन जाता है, और हेट्रोजीनिटी भी अराइज हो जाती है। इट इज नो लॉन्गर होमोजीनियस, प्योर मेटल होमोजीनियस होता है, लेकिन हम प्योर मेटल यूज नहीं कर सकते। इट्स यू नो मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी बहुत वो होती है ना, हाई होती है, तो हम नहीं कर सकते उसको यूज ना। जैसे गोल्ड वगैरह है, तो यू हैव हर्ड अबाउट द कैरेट्स एंड ऑल दैट, तो हम उसमें भी मिक्स करते हैं टू मेक ज्वेलरी एंड ऑल, राइट। ऐसे जिंक का एग्जाम्पल है, जिंक इन प्योर HCl causes no corrosion, but जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और लेड इन HCl causes a corrosion, ठीक है। सो प्योर मेटल्स आर वीक एंड एक्सपेंसिव, सो वी डोंट यूज देम। फिर है फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल, वो जो इंटरग्रेनुलर करोजन वाला पॉइंट था ना, वो सारा इसमें आ जाता है। फिजिकल स्टेट क्या है अलॉयज की, ग्रेन बाउंड्रीज है कि नहीं है, स्मॉलर ग्रेन साइज है कि नहीं है। अगर स्मॉलर ग्रेन साइज है तो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होगी कंपेयर टू अ ह्यूज बिग क्रिस्टल, ओके। सो देयरफॉर ग्रेटर करोजन होगी क्योंकि ग्रेटर सॉल्युबिलिटी है। देन नेक्स्ट वी हैव दिस पॉइंट इन नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ द ऑक्साइड फिल्म। तो ये भी कल हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसी का जिस्ट है। फिलिंग बेडवर्थ रेशियो मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मेटल। अगर वो ग्रेटर देन वन है तो प्रोटेक्टिव कोटिंग बनती है, अगर वो लेस देन वन है तो नॉन प्रोटेक्टिव बनती है, जैसे कि एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल था एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन। देन है एरिया इफेक्ट, तो अगर कैथोड का एरिया ज्यादा है एनोड से तो ज्यादा करोजन होगी। ऐसा क्यों होता है? रैपिड और सिवियर करोजन क्यों होती है? क्योंकि कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा बड़ा होगा कैथोड, तो मतलब उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, द डिमांड विल बी मच मोर। सो इफ द डिमांड इज मच मोर, द सप्लाई शुड बी ऑल्सो मच मोर, राइट। तो सप्लाई मच मोर होने का क्या मतलब है? एनोड जो है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो वो जल्दी जल्दी डिजोल्व होगा। सो ग्रेटर द एरिया ऑफ कैथोड, मोर यू नो करोजन, एंड एनोड इज गोइंग टू करोड फास्टर। देन यू हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट्स। अगर जो फिल्म बन रही है करोजन प्रोडक्ट्स, वो इनसॉल्युबल हैं, तो फिजिकल बैरियर वो स्टॉप कर देता है करोजन को, और अगर सॉल्युबल हैं करोजन प्रोडक्ट्स तो करोजन प्रोसीड्स। वोलेटाइलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत सिंपल है। अगर वोलेटाइल करोजन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो सर्फेस को लीव कर देते हैं, तो दैट इंक्रीजेज द करोजन, और अगर नहीं है वोलेटाइल तो दैट विल प्रोटेक्ट द यू नो लोअर मेटल, ओके। देन वी कम टू नेचर ऑफ द एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंदरजीत क्या हो गया? इंदरजीत मैम, सॉरी मैम, वो लाइट चली गई थी अचानक से। अच्छा अच्छा ओके ओके, ज्वाइन किया हुआ था आपने? नहीं मैम, ज्वाइन नहीं किया था मैम, लिंक तो देख लिया था। अच्छा अच्छा ठीक, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है बेटा, सबसे पहला टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर होगा करोजन उतनी इंक्रीज होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, करोजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम गोज फॉर ह्यूमिडिटी, आपको पता है जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा करोजन इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि पानी में तो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन वैसे ही ज्यादा होती है एक्वस मीडियम में। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल ह्यूमिडिटी होती है, जिसमें क्रिटिकल ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी ह्यूमिडिटी जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक करोजन रेट ऑफ द मेटल इंक्रीजेस वेरी शार्पली। तो एक पॉइंट तक अगर ह्यूमिडिटी हो तो ठीक है, पर जैसे बारिश का सीजन होता है बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है तो उस केस में इट विल इंक्रीज वेरी शार्पली। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, देर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू नो करोजन प्रोसीड्स दैट वे। सो नाउ इसमें क्यों, ये क्यों होता है ऐसे, व्हाई डज दिस हैपन? फर्स्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जितनी भी डिसॉल्व्ड गैसेस होती है ना पानी के ऊपर, पानी में जो होती हैं, उनकी क्वांटिटी यू नो बढ़ जाती है, बिकॉज पानी बढ़ जाता है हवा में, सो पानी का कंटेंट बढ़ जाता है, तो दे कैन डिसॉल्व मोर इनसाइड वाटर एंड दैट स्पीड्स अप द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। फिर सेकेंड बात है, जो भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड फिल्म बनती है दैट विल अब्सॉर्ब मोर ऑफ मॉइस्चर एंड दैट कैन ऑल्सो एनहांस करोजन। एंड थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सॉलिड्स हैं छोटे छोटे एयर में, NaCl वगैरह, NaCl वगैरह ये डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ने की वजह से भी जो है इलेक्ट्रिविटी या कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेम गोज फॉर इम्प्योरिटीज, अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं हवा में, एटमोसफेयर में, सो करोजन विल इंक्रीज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ताजमहल। सो इफ द पोल्यूटेंट्स इंक्रीज, सो द नियर बाई यू नो स्ट्रक्चर्स विल अंडरगो करोजन। तो येलोइंग हो रही है ना उसमें भी लाइम स्टोन की, उसको भी करोजन ही कहा जाता है इन अ वे, बिकॉज नाउ नॉन मेटल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर करोजन। देन नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ पी एच। पी एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसिड है तो एसिड तो मेटल को खा जाता है, सो एसिड एंड मेटल रिएक्ट वेरी शार्पली। सो एसिडिक मीन्स लोअर पी एच, तो लोअर पी एच मीन्स वेरी हाई करोजन रेट, सो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, देन यू हैव नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ आयन्स इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हाईली ऑक्सीडाइजिंग आयन्स हैं जैसे कि क्लोराइड वगैरह, तो ये क्या करते हैं, जो भी फिल्म बनती है पैसिव फिल्म, पैसिविटी मैंने बताया था कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, तो पैसिव फिल्म बेसिकली क्या होती है, किसी भी मेटल पे, किसी पे भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं जिन पे एक लेयर बनती है, एक पर्टिकुलर फिल्म बनती है जो उनको ना नीचे नीचे के मेटल को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम पैसिव फिल्म्स कहते हैं। तो क्लोराइड जैसे जो आयन्स है ना वो पैसिव फिल्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नीचे के मेटल को एक्सपोज कर देते हैं टू फर्दर करोजन। देन यू हैव सिलिकेट आयन्स। सिलिकेट आयन्स भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिलिकॉन जेल वगैरह, और दिस ऑल्सो इनहिबिट्स द करोजन। देन साइनाइड, साइनाइड क्या करता है, साइनाइड कॉजेज स्ट्रेस क्रैकिंग ऑफ स्टील। देन यू हैव अमोनियम, अमोनियम का क्या करता है, आयरन की करोजन कॉज करता है, ब्रास की करोजन कॉज करता है। सो ऐसे बहुत सारे आयन है, आप एक दो एग्जाम्पल याद रख लोगे तो बहुत है। देन यू हैव कंडक्टेंस ऑफ द करोडिंग मीडियम। कंडक्टेंस ऑफ द करोडिंग मीडियम में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ड्राई सैंडी सॉइल हो अगर आपके, तो उसकी यू नो लोअर कंडक्टेंस होगी, तो लोअर करोजन होगी, जबकि क्ले मीन्स वेरी वेट सॉइल, क्ले या मिनरलाइज सॉइल है, मिनरलाइज सॉइल मतलब उसमें लॉट्स ऑफ सॉलिड्स आर डिजॉल्व्ड, तो उसमें मॉइस्चर भी होगा, सॉलिड्स भी होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, करोजन विल बी मच मोर। देन यू हैव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजर्स। अगर ऐसी चीजें प्रेजेंट है एयर में तो ऑक्सीडेशन होगी, दैट मीन्स करोजन इज गोइंग टू इंक्रीज इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो पैसिविटी वाला टॉपिक है ना उसमें ये ग्राफ आता है, तो वी विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट मोर ओवर देयर। एंड यू हैव वेलोसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे फ्लो रेट्स वगैरह हैं तो करोजन रेट्स वगैरह बढ़ेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। विंड स्पीड ज्यादा है तो भी करोजन रेट बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो करोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है हमारे पास करोजन कंट्रोल, नेक्स्ट टॉपिक है करोजन कंट्रोल। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करोजन में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। गुड, नाउ वी हैव करोजन कंट्रोल। करोजन कंट्रोल क्यों चाहिए? ऑब्वियसली बिकॉज ग्रेट इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं इससे, स्लो प्रोसेस होता है बट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सो वी हैव टू कंट्रोल इट।
सो इसमें बहुत सारे ये मेथड्स दिए हैं, सब हमें डिस्कस करने हैं. सबसे पहला मेथड है बाय प्रॉपर डिजाइनिंग. बाय प्रॉपर डिजाइनिंग का क्या मतलब है, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी इक्विपमेंट आप बना रहे हो, जो भी मटेरियल आप बना रहे हो, उसकी डिजाइनिंग को थोड़ा सा दिमाग में रखना होना चाहिए. क्या क्या पॉइंट्स हम दिमाग में रख सकते हैं व्हाइल डिजाइनिंग अ मटेरियल. फर्स्ट थिंग इज वी शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट मेटल्स एंड अलॉयज, especially if they are far apart in the galvanic series. तो हमें पता है galvanic series में जो बहुत difference पे हैं, उनमें reaction ज़्यादा होता है, corrosion ज़्यादा होता है, तो ऐसे materials को हम ना choose करें जिनमें high reaction होता है, ठीक है. So and if possible we should use plastic ware and all because they are electrical insulators also. So electrically conducting materials ज़्यादा ना use हो जहाँ तक possible है. फिर उसके बाद अगर दो डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट, वी शुड अवॉइड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एनोड एंड लार्जर कैथोड. ये वही वाला पॉइंट था, एरिया वाला. अगर कैथोड का एरिया ज्यादा होगा तो वो एनोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करेगा एंड इन द प्रोसेस एनोड इज गोइंग टू करोड फर्दर, ठीक है. सो डिसिमिलर मेटल्स में ये याद रखना चाहिए, लार्जर कैथोड नहीं होना चाहिए, एनोड जो है वो लार्जर होना चाहिए. Then, जहां जहां पे पॉसिबल हो वी शुड अवॉइड द क्रेविसेस बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर. नट्स बोल्ट्स क्रेविसेस वगैरह अवॉइड करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग इज बेटर देन द जॉइंटिंग टेक्निक देन मैकेनिकल फास्टनर्स लाइक रिवेट्स एंड बोल्ट्स. तो रिवेट्स, बोल्ट्स, नट बोल्ट्स जो भी चीजें हैं वो सब चीजें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है. Then you have retention of moisture should be minimum. इसके लिए क्या होता है, डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स ना बनाएं क्योंकि यहाँ पर बेंड्स में क्या है कि पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है, वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो वाटर कलेक्ट होने की वजह से करोजन सेट्स इट. सो ड्रेनेज जो है वो इस तरह की ड्रेनेज होनी चाहिए डोम शेप में, दैट वाटर शुड बी ड्रेन्ड कम्प्लीटली. स्टोरेज कंटेनर्स वगैरह, स्पेशली जो गोडाउन वगैरह होते हैं ना, FCI के गोडाउन अगर आपने मायापुरी वगैरह में देखे हो, सो ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, विच शुड बी डोम शेप्ड. देन यू शुड अवॉइड शार्प कॉर्नर्स एंड बेंड्स, डस्ट डर्ट ना कलेक्ट हो जहाँ पर, और डस्ट डर्ट कलेक्ट होने की वजह से भी क्या होती है, करोजन सेट्स इन बिकॉज डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो एयर जो है ऑक्सीजन की मात्रा डस्ट वाली जगह पे और नॉर्मल जगह पे अलग अलग होगी, सो डिफरेंशियल एरेशन स्टार्ट्स इन, ओके. देन यू हैव एनोडिक पार्ट्स विच शुड बी रिप्लेसेबल और दिट शुड बी थिकर. तो वही वाला पॉइंट है जो दो तीन पॉइंट पहले हमने डिस्कस किया था, लार्जर एनोड होना चाहिए, लार्जर कैथोड नहीं होना चाहिए. पाइप के डायमीटर्स वगैरह इंक्रीज होने चाहिए बिकॉज इट डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स, तो फ्लो वेलोसिटी की वजह से करोजन नहीं होती. पाइपलाइंस वगैरह शुड बी फ्री ऑफ क्रेविसेस, मतलब एक स्ट्रेट पाइपलाइन हो तो बेटर है, दे शुड नॉट बी जॉइंट विद ईच अदर, ठीक है. वी शुड अवॉइड क्रेविसेस इन बिटवीन, ओके, जॉइंट्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए. देन सेकेंड पॉइंट आता है मटीरियल सिलेक्शन का. मटीरियल सिलेक्शन में वी शुड ट्राई टू यूज प्योर मेटल बट इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एंड वीक, सो वी कैनॉट यूज अ प्योर मेटल, एक्सक्यूज मी, सो वी हैव टू यूज मेटल अलॉयज. अब मेटल अलॉयज में भी क्या प्रॉब्लम है, मेटल अलॉयज में भी दो तरह के अलॉयज होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं. सो होमोजीनियस सॉल्यूशन जैसे कि स्टेनलेस स्टील वगैरह होते हैं, ये बेटर होते हैं, जो यू नो कंपोनेंट्स जिनके कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं. हेट्रोजीनियस सेल में, हेट्रोजीनियस अलॉयज में क्या प्रॉब्लम है कि दो अगर डिफरेंट फेजेस में होंगे ना मेटल्स वगैरह, तो गैल्वेनिक सेल्स मतलब वही उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा ना वो थोड़ा वीक होगा, इंटरग्रैनुलर करोजन भी हो सकती है और इंटरनली गैल्वेनिक सेल्स कैन सेटअप, तो वो वाले अलॉयज थोड़े से वीक हो सकते हैं. सो इस तरह के जो बेटर अलॉयज हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर बेटर है, उस तरह के अलॉयज यूज करने चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं विच आर एडेड टू स्मॉल क्वान्टिटीज टू द करोजिव इन्वायरमेंट्स. मतलब आयरन को आपने डिप करा HCl में, एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो उस आयरन पे कुछ करने की बजाय जो एसिड है ना, एसिड में आपने इनहिबिटर डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दैट विल डिक्रीज द करोजन रेट. माई PhD वॉज ऑल्सो इन दिस, आई हैड चोजन स्टील एंड स्टील रॉड, आई हैड डिप्ड इट इन H2SO4 एसिड और मैंने इनहिबिटर चूज करा था प्लांट बेस्ड, क्योंकि क्या होता है ये जो पुराने इनहिबिटर्स चल रहे हैं जो केमिकल वगैरह वाले होते हैं, दे आर यू नो स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट एंड ऑल. तो आजकल प्लांट बेस्ड इनहिबिटर्स पे बहुत रिसर्च चल रही है. सो आई टेकन अप एवरग्रीन प्लांट, गूलर आपने सुना होगा, और गूलर का एक्सट्रैक्ट बनाया था और उसको HCl H2SO4 में डाला था और देखा था कि वो स्टील की करोजन को रोकता है कि नहीं रोकता.
यू नो सो रोकता था वो, सारे प्लांट्स एक्चुअली रोकते हैं क्योंकि उनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं. तो इसमें दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, इनफैक्ट होते तो ज्यादा हैं, बट यहाँ पर आपकी बुक में दो दिए हुए हैं, एनोडिक इनहिबिटर्स एंड कैथोडिक इनहिबिटर्स एंड वेपर फेज इनहिबिटर्स दिया हुआ है. तीन तरह के दिए हुए हैं आपकी बुक में. वैसे मिक्स टाइप इनहिबिटर्स भी होते हैं जो एनोड और कैथोड दोनों को रोकते हैं. तो एनोड इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एनोडिक रिएक्शन को रोक देते हैं. ये वाला जो रिएक्शन एनोड पे होता है इसको ये रोक देते हैं. कैसे, ये फिल्म बना देते हैं उसके ऊपर, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस लाइक अ फिल्म और अ स्केल. और ये जो स्केल या फिल्म है ये रिड्यूस करती है कोरोजन रेट को. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट ये सब अब डिस्कवर हो रहा है कि ये थोड़े से कैंसरस हैं. तो अब जो है ना प्लांट बेस्ड पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है. सो मोलिब्डेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, क्रोमेट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं यू नो एल्कली मेटल्स की या ट्रांजिशन मेटल्स की ये एनोडिक इनहिबिटर्स का काम करती है. पर इसकी लिमिटेशन है एनोडिक इनहिबिटर्स की. क्यों? क्योंकि आपको इनकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है, उस इनहिबिटर के नीचे ये काम नहीं करते. उस कंसंट्रेशन के नीचे, उस कंसंट्रेशन के ऊपर और एक पर्टिकुलर मेटल के लिए और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड के लिए ही ये काम करते हैं. तो ये बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस हैं. देन अगर हम इनसफिशियंट कंसंट्रेशन यूज करेंगे ना तो ये जो फिल्म बनती है ये पूरी फिल्म नहीं बनती. सपोज ये मेटल है, इसके ऊपर जो फिल्म बन रही है वो या तो पतली बनेगी बहुत, जिसमें यू नो क्रैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो सके, या ये जो फिल्म बनेगी वो डिसकंटिन्यूअस बनेगी, मतलब थोड़े थोड़ा गैप या पोरस बनेगी. तो ये कवर नहीं करेगी इंटायर एरिया को, एंड दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक. क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हमने यूज करा है इनहिबिटर बट क्रैक्स की वजह से फिर भी द करोजन इज गोइंग टू सेट इन. So some you know areas exposed and that usually leads to the pitting corrosion. छोटे छोटे areas में corrosion होती है और उसको pitting corrosion कहते हैं. और ये structure को internally बहुत weak कर देती है. Then you have cathodic inhibitors. Cathode पे reaction क्या होता है, acid medium में reaction होता है ना, bubbling of hydrogen 2H plus plus 2 electrons. So हाइड्रोजन इज बबल, तो ये वाले रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कैथोडिक इनहिबिटर्स ना. ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ एच प्लस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो डिफ्यूजन ऑफ एच प्लस एसिडिक है तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, कोई बेस डाल दो बीच में. तो बेस क्या होते हैं, अमीन्स आर बेसिक कंपाउंड्स, यूरिया सब्स्टिट्यूटेड यूरियाज, थायो यूरियाज, ऑल दीज आर बेसिक कंपाउंड्स. तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं मेटल सर्फेस पे और कैथोड के रिएक्शन को रोक देते हैं. बिकॉज ये अमोनिकल नेचर के होते हैं ना तो ये एसिडिक रिएक्शन को रोक देते हैं. अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन होता है, वाटर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस. तो इस केस में हम ऐसा कैथोडिक इनहिबिटर यूज करते हैं जो कि ऑक्सीजन को रिमूव कर जाए. तो ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है, सोडियम सल्फाइट आप याद कर सकते हो. सो सोडियम सल्फाइट को हम ऐड कर सकते हैं टू रिमूव द ऑक्सीजन. इसके अलावा हम जिंक सल्फेट वगैरह भी रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर दिस देयर. दीज आर कंसिडर्ड बेटर एज कम्पेयर टू एनोडिक इनहिबिटर्स. वाई? क्योंकि करोजन डिक्रीजेज ड्यू टू द एरिया इफेक्ट एंड डिक्रीजेज द कैथोड एरिया, एनोडिक एरिया रिमेन्स द सेम. तो कैथोड को इनहिबिट करने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई जो एनोड से है वो नहीं आ रहा होता एंड देन इट स्टॉप्स द करोजन, यू नो. देन वेपर फेज इनहिबिटर्स हैं. वेपर फेज इनहिबिटर्स का क्या मतलब है, वेपर वोलेटाइल हो जाते हैं ये इजिली. वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि जो हमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए ना मटेरियल्स की, अब ये बड़ी बड़ी स्टील पाइप्स, स्टील रॉड्स, मेटल की रॉड्स, ब्रास, कॉपर, सबकी रॉड्स तो बन गई, सबकी शीट्स बन गई, इंडस्ट्री में ये चाहिए होती हैं. पर जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हो रही हैं और जहाँ पर ये चाहिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम, स्टोरेज के टाइम, पैकिंग के टाइम इनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है करोजन से. बिकॉज अदरवाइज दे विल बी एक्सपोज टू मॉइस्चर. सो उस टाइम पे इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे शिपिंग वगैरह हो रही है उनकी, तो उधर ना वेपर फेज इनहिबिटर्स डाल दिए जाते हैं. तो पूरे एरिया में, गोडाउन्स में या शिप्स में, व्हाट हैपेंस इज इनके वेपर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं इनहिबिटर्स के, और वो सारा जो एरिया है
वो वेपर्स से भर जाता है, इनहिबिटर्स के वेपर से भर जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ एनवायरनमेंट इन द एयर. यू हैव इनहिबिटर्स इंस्टेड ऑफ मॉइस्चर, यू हैव द इनहिबिटर्स इन द वेपर फॉर्म. तो ये रोक देते हैं करोजन ऑफ मेटल्स वेर एवर दे आर स्टोर्ड. सो इसके लिए क्या चाहिए कि जो इजिली वोलेटाइल हो सके ना इनहिबिटर्स, हमें ऐसे इनहिबिटर्स चाहिए होते हैं जो वेपराइज हो सके. तो इसका एग्जाम्पल है एक साइक्लोहेक्साइल अमीन, इस पर भी बहुत रिसर्च हो चुकी है. साइक्लोहेक्साइल अमीन एक ऐसा मटीरियल है जो इजिली वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है. इसका टेम्परेचर लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. So I think we should stop here. Yes? 56? Yes, ma'am. Okay. Next topic हम करेंगे बाद में. 36 बच्चे हो गए हैं. मनमीत ये वाली ले ले अटेंडेंस. 45 से 36 हो गए हैं. हाँ मैथ ले गया था, प्लीज एक बारी. ओके मैम. ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना. चलो ओके, बाय एवरीबॉडी. थैंक यू मैम. ओके थैंक यू.